हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां बच्चे सड़कों पर पैदा हो रहे हैं और हादसे अस्पतालों में हो रहे हैं, केस की जगह हरासमेंट केस बन रहे हैं, मीडिया ग्रुप डिग्रियां छाप रहे हैं और तालीमी इदारे नोट छाप रहे हैं। सिर्फ वो तंजीमें खुलकर काम कर सकती हैं जिन पर पाबंदी लगाई जा चुकी हो। इलेक्शन जीतने वाली जमात अपोजिशन कर रही है और हुकूमत पता नहीं कौन कर रहा है, यानी इस मुल्क में सब कुछ ज़रा हटके है। तो इन हालात में ज़रा हटके के उनवान से एक टीवी प्रोग्राम शुरू हुआ तो ज़ाहिर से मकबूल होना था। तो हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ उस प्रोग्राम के दो शुरू का मौजूद हैं। ज़रार खोड़ो साहब किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके। इन दोनों शख्सियात को आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह, इन्हें तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तारुफ़ करवा के रहूँगा। मुबशिर ज़ैदी साहब की उम्र गुजरी है इसी दश की सयाही में, डॉन के डायरेक्टर रह चुके हैं, डायरेक्टर न्यूज़ और प्रोग्रामिंग। एक दिलचस्प वाक़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे आए दिन हर दूसरे दिन कोई ना कोई शख्स पहचान लेता है, बहुत तारीफ़ करता है और फिर कहता है कि मैं आपका प्रोग्राम ज़रा हटके बहुत गौर से बहुत शौक़ से देखता हूँ। इससे पता चलता है कि लोग प्रोग्राम तो देखते हैं लेकिन मुबशिर ज़ैदी साहब को नहीं देखते। मैं एतराफ़ करना चाहता हूँ, मुझे जो इज़्ज़त और शोहरत मिली है उसमें इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। बहुत सी इज़्ज़त, बहुत सी शोहरत और ट्विटर पर बहुत सी गालियाँ। ये मेरे नाम शरीक भाई नहीं है, दुष्नाम शरीक भाई भी हैं। इनके साथ बैठे हमारे उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान के बाद जो तीसरे उस्ताद मशहूर हुए हैं वो उस्ताद वसतुल्ला ख़ान हैं। मंटो के अफसाने, गालिब के शेर और वसतुल्ला ख़ान के कॉलम के साथ नाम ना भी लिखा हो तो लोग पहचान जाते हैं कि किसका है। एक अखबार में भी कॉलम लिखते हैं, निजी अखबार में, और बीबीसी के लिए भी कॉलम लिखते हैं और हम सभी इन्हें जानते हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जैसे प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ मुबशिर ज़ैदी साहब करते हैं, मैं चाहता हूँ कि पहला सवाल मैं उनसे ही करूँ। एक आम ख्याल है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम हो रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की दी हुई लाइन पर होते हैं, तो आपने इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम ज़रा हटके रखा है। बिल्कुल, आई एग्री विद यू, क्योंकि जो जैसे शुरू में आपने कहा तो मैं उसमें थोड़ा सा ऐड कर लूँ कि जिस मुल्क में फ़ौज मईशत पे बात कर रही हो, वज़रा जो है वो टॉक शोज़ में आके बात कर रहे हों और हुकूमत अपोजिशन कर रही हो और मीडिया जो है वो तोताफाल नजूमी बना हुआ हो कि ये होने वाला है, ये होने वाला है और गैर तस्दीकशुदा खबरें दे रहा हो, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने दुख रोएं स्क्रीन पर आकर के। और जब हम शुरू भी कर रहे थे अपना प्रोग्राम तो सब ने हमें कह दिया था कि आप लोगों को कोई देखेगा नहीं और ना आपको एड्स मिलेंगे ना ये प्रोग्राम चलेगा। हमारे अपने दफ्तर में से लेके और जितने इंडस्ट्री के लोग थे, हमने कहा चलो ठीक है ट्राई करते हैं, लेकिन जब हमारे मुल्क में इतनी कन्फ्यूज़न है तो बहुत ज़रूरत है कि आप बात करें माशरे के जो ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर कोई और बात नहीं करता, उन तबकात के बारे में जिनके बारे में लोग बात करते हुए डरते हैं, जो हमारी शायद अकलियतें हैं, हैं हमारे भाई, लेकिन उनको ऐसे बना दिया गया है कि जैसे वो काबिल गर्दन जनी हैं। तो हमने सोचा कि हम उनके लिए भी बात कर लें। अब बाल क्योंकि मेरे तो सफ़ेद हो गए, वसत साहब के भी सफ़ेद हो गए, तो हमें सब इस बात का खौफ नहीं है कि हमारे साथ वो क्या करेंगे। तो हमने सोचा कि हम अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश करते हैं टू द कमिंग जनरेशन, ताकि बोलने का हौसला, पूछने का हौसला उनमें भी बढ़े। तो दिस वाज द जिस्ट ऑफ द प्रोग्राम और जब तक चलेगा चलेगा। वो सब हमारी सहाफ़ती ज़ुबान में कहा जाता है कि जब बहुत कोई क्राउडेड जगह हो जाए, बहुत आवाज़ें लग रही हों, तो उसे कहते हैं ये मछली बाज़ार बन गई है। तो हमारी मीडिया इंडस्ट्री भी अब कुछ ऐसी सूरत हाल हो गई है, जैसे आप एम्प्रेस मार्केट जाते हैं या लालू खेत की मार्केट जाते हैं और वहाँ पे आवाज़ें लग रही होती हैं कि बाजी इधर आएँ, आपकी पसंद की लॉन हमारे पास है। तो ऐसे ऐसे बाज़ार में एक नई दुकान खोलना, उसे कामयाबी से चलाना,
آپ اسے کیسا دیکھتے ہیں, کیسے یہ ممکن ہوا؟ یہ دکان ظاہر ہے کہ اکیلے تو نہیں چل رہی. سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے ادارے کا, کہ ادارہ ریٹنگ سے 100% پاک پروگرام اگر 3 سال برداشت کر لے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور ادارہ یہ کہہ دے کہ جو بھی آج کے پروگرام کا ایجنڈا ہے وہ آپ ہی کو طے کرنا ہے, اگر اس کے کوئی نتائج برآمد ہوتے ہیں تو وہ ہم دیکھ لیں گے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ایسا آج کل نہیں ہوتا, ایسا نہیں چلے گا, ٹھیک ہے؟ تو اس حساب سے پھر یہ ہے کہ پھر آگے ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے. اچھا, یہ پروگرام چل کیوں رہا ہے؟ تاثر مجھے نہیں پتا کیوں یہ پھیلا ہوا ہے کہ اس میں ایسی انہونی باتیں ہو جاتی ہیں جو کسی اور چینل پہ کم ہی سننے میں آتی ہیں. یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے, یہ المناک بات ہے, اس پہ رونے کا مقام ہے کہ آزادی اظہار اور ہماری سوسائٹی کی جو انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے وہ سپریس کرتے 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 اتنا نیچے تک آ گیا ہے کہ اگر ہم کوئی نارمل گفتگو بھی کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسے کر لی. جو گفتگو آج ذرا ہٹکے میں ہو رہی ہے, ذرا یاد کیجئے نور الہدا شاہ صاحبہ اور جو آگے کے سوخوں میں جو سینئر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, سابق سرکاری افسران بھی ہیں, تخلیق کار بھی ہیں, ذرا یاد کیجئے کہ جو گفتگو آج ہم کرتے ہیں یہ آج سے 20-30 سال پہلے عام گلی کوچوں میں ایک نارمل گفتگو کے طور پہ ہوتی تھی, اور کوئی کسی کو جرت پہ مبارکباد نہیں دیتا تھا کہ یار یہ تم نے بڑی جرت کا کام کیا, یہ بات کر لی. لیکن آج وہ نارمل گفتگو کرنا بھی جب جرت کی بریکٹ میں آ جائے تو یہ خوشی کی بات نہیں ہے, دکھ کی بات ہے. ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ مچھلی بازار جو لگا ہوا ہے میڈیا کا, ہم ایک چھابا لے کے بیٹھ گئے, اس پہ کوئی طرح طرح کے پھل نہیں سجائے. ہم ایک مخصوص باغ کے کچھ امرود بیچتے ہیں, یا ہم حیدرآباد کی وہ بیکری ہیں جو روزانہ 50 کیک تیار کرتی ہے, 51واں تیار نہیں کرتی. جسے لینا ہے لے, نہیں لینا ہے نہ لے. شاید یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ پروگرام تھوڑا سا ڈفرینٹ لوگوں کو لگتا ہے, جس میں ڈفرینٹ کی کوئی بات مجھے تو نظر نہیں آتی. اچھا, ایک ذرا تھوڑی سی ہم ناگوار بات کر لیتے ہیں کہ حنیف صاحب نے یہیں پر کے ایل ایف میں ایک دفعہ بیٹھ کے بات کی, ان سے لوگوں نے کہا آپ ایسی سخت سخت باتیں کیسے کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ چونکہ میں انگریزی میں لکھتا ہوں, انگریزی کم لوگ پڑھتے ہیں, میری ریچ کم ہے, تو اس لیے میں بہت سی ایسی باتیں کر لیتا ہوں کہ جو برداشت کر لی جاتی. تو کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس چینل پہ آپ پروگرام کرتے ہیں ڈان کی ریچ کم ہے, آپ کی ٹائمنگ پروگرام کی ایسی ہے کہ اس وقت کم لوگ دیکھتے ہیں, بچے سو جاتے ہیں, یہ باتیں برداشت کرنے والے لوگ کچھ ہی بچتے ہیں, وہی آپ کا دیکھ رہے ہیں, اسے بات کو آپ مانیں گے کہ ریچ کم ہے اس پروگرام کی اس لیے آپ کی باتیں برداشت کر لی جاتی؟ آپ کی گفتگو سے ایسا تاثر مل رہا ہے جیسے یہ کوئی فوش پروگرام ہے, بچے سو جاتے ہیں, لیٹ نائٹ ہوتا ہے, ریچ کم ہے. ایسا نہیں ہے. حنیف کو ڈیفینیٹلی انگریزی کا سہارا ملا ہوا ہے, ہمیں لائٹر ٹون کا ہتھیار ملا ہوا ہے. دنیا کی تلخ سے تلخ بات اگر آپ لطیف پیرائے میں کہنے کا ڈھنگ جانتے ہیں تو جس کے خلاف کہی جا رہی ہے کم از کم تھوڑا سا وہ بھی انجوائے کر لے گا. لیکن ایک بہت ہی سیدھی سادھی بات اگر آپ اس کے منہ پہ ماریں گے تو وہ ہو سکتا ہے آپ سے انتقام لینا شروع کر دے. میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ ایک چیز ہے. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو ہم کاؤنٹر نیریٹو کی بات کرتے ہیں یا متبادل بیانیے کی بات کرتے ہیں, تو ہم نے سوچا کہ جو سب لوگ بات کر رہے ہیں
उससे हम थोड़ा सा डिफरेंट हो करके एक मुतबादिल बयानिया बयान तो करें, जिस जो ज़ाहिर है कानून और आईन के पैराए में रह करके किया जाता है, लोगों के हकूक़ की बात करें। हमारे यहाँ बदकिस्मती ऐसी हो गई है, जैसे वसत ने कहा कि 30 साल पहले हम बहुत अवेयर थे अपने हकूक़ के बारे में, लेकिन अब बिल्कुल इतना डिस्कनेक्ट हो गया है पॉलिटिकल क्लास से भी, और जो हकूमत है, आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, उस सब से हम इतने दूर हो गए हैं, हमसे मुराद तमाम लोग आवाम जो हैं, कि उनकी कोई से ही नहीं है। तो उनकी बात को पहुंचा ही देना, मेरे ख़्याल में जो है वो हमने सोचा कि हम ये कर सकते हैं। जैसे आप लोग आपस में इस वक्त कोई भी बात कर रहे हो चाय के कप पे, या उसमें बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो खासी तल्ख होती है, जो आप नहीं चाहते कि आप पब्लिकली करें, लेकिन हमने सोचा कि हम करके देखते हैं। तो उस पे जो हमें तमाम इदारों की तरफ से यही चीज़ मिली कि बर्दाश्त का हौसला है अगर आप बात करें। फिर मीडिया का मसला ये हो गया है कि जो मालकान हैं वही एडिटर बन गए हैं, वही डिसाइड करते हैं कि आज जिसने इश्तिहार नहीं दिया तो आज एंकर जो है उसकी क्लास लेंगे प्रोग्राम्स में। और ये बाकायदा बाज़ मालकान तो जो है वो रिकॉर्डिंग के बाहर जो स्टूडियो कंट्रोल होता है वहाँ पर खड़े होकर ख़ुद सवालात भी बता रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें के बाद लोगों का जो कॉन्फिडेंस है मीडिया पे वो बुरी तरीके से मुतासिर भी हुआ है। हम कभी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी कहीं जाते हैं तो लोग हमसे बात करते हैं कि आप ओवरऑल ये मीडिया क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्यों इतनी कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, क्यों इतना सेंसेशनल क्यों हो गया है। कल भी यहाँ पर बात हो रही थी और मैं इसी बात पर आप लोगों ने सवाल भी किए कि आप क्यों इतनी सनसनी फैलाते हैं। लिखते तो हैं कि सनसनी नहीं, सिर्फ खबरें या इस तरह की चीज़ें, लेकिन उस जहाँ वो पट्टी चल रही होती है, जिसे हम लोग कहते हैं कि वो लाल जो है वो उल्लू की पट्टी है, जो किसी भी चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के बयान करती है कि लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, एज इफ़ द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू एंड टुनाइट। इट विल नॉट एंड टुनाइट। हम लोगों ने यही लोगों को बावर भी कराने की कोशिश की है कि अगली सुबह आएगी, तो आप उस बारे में भी सोच लें, बजाय इसके कि आप अपने हाथ से अपनी कब्र खुद खोदना शुरू कर दें और सोचें कि आज सब कुछ जैसे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हम कोई बहुत तुर्रमखानी कर रहे हैं और बाकी मीडिया नहीं कर रहा। असल मसला ये है कि पहल कौन करे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ विशाल खान के कत्ल की, कि जिस दिन विशाल खान का बरदान यूनिवर्सिटी में कत्ल हुआ है उस रात पूरा प्रोग्राम हमने तमाम तर खतरात को जहन में रखते हुए कर दिया। उसका असर यह हुआ कि अगले दिन बाकी जो चैनल्स थे उनको भी जुर्रत हुई कि हाँ इस पे बात हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी बहुत बड़ी रुकावट होती है कि पहल कौन करेगा। हक अच्छा, पर इसके लिए कोई और मरे तो और अच्छा। तो ये जो एक एटीट्यूड है ये भी हमारे मीडिया के पाँव में एक जंजीर है। मुबशिर ने कहा कि मुतबादिल बयानिया, बदकिस्मती ये है कि टर्मिनोलॉजी का तबादला हो गया है, जिसे आज हम एक मुतबादिल बयानिया कहते हैं और जिसकी तलाश में थे। ये मुतबादिल बयानिया पाकिस्तान में 14 अगस्त 1947 से लेके और 5 जुलाई 1977 तक बयानिया अव्वल था, ये मुतबादिल नहीं था। मुतबादिल बयानिया वो है जो 5 जुलाई 1977 के बाद इस मुल्क में नाफिज करने की कोशिश की गई, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज हम ये कहते हैं कि वो असली बयानिया है और हम जो बात कर रहे हैं वो मुतबादिल बयानिया है। तो हालात इतने बदल गए हैं कि टर्मिनोलॉजी ने भी अपनी जगह छोड़ दी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे अब मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता था कि मालिकान की मुदाखलत न्यूज़ रूम में या
प्रोग्राम्स में इसकी बात बहुत ज़्यादा की जाती है, प्रेस क्लबों में होती है, न्यूज़ रूम में तो ऐसी बात कम ज़ाहिर होती है, लेकिन ये न्यूज़ रूम में या प्रोग्राम्स में अगर उनकी मुदाखलत एक हकीकत है तो फिर क्या आपका प्रोग्राम उससे पाक है, और ये कैसे आपने मुमकिन बनाया, या ये सिर्फ आपके इदारे जिसमें आप काम कर रहे हैं सिर्फ ये वही मुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं समझता हूँ कि कोई जिस शख्स को एक दफ़ा मौका मिल जाए मुदाखलत का, उसको फिर बाहर निकालना, उसको उस मुदाखलत से पाक करना बहुत मुश्किल काम है। तो क्या ये आपके यहाँ शुरू ही नहीं हुआ या आपने इसे किसी तरीके से रोक रखा है? देखिए, क्योंकि बदकिस्मती या खुशकिस्मती, मैं खुद डायरेक्टर प्रोग्राम्स था उस वक्त जिस वक्त ये प्रोग्राम शुरू हुआ, तो सारी पॉलिसी जो थी चैनल की वो मेरे पास थी, तो हम जो कुछ करते थे तो उसमें कोई ऐसा मदाखलत थी नहीं, तो हमें उससे हौसला मिलता गया। दो चार दफ़ा कुछ बात हुई, मसलन एक दफ़ा कोई डॉन ने ही गलत खबर चला दी, अब हम लोगों ने उस खबर को लेकर के अपने ही प्रोग्राम में हमने उस पर बात की। हाँ, वो खबर थी एक, जो कि आपको पता है आजकल खबरें कहाँ से आती हैं, तो व्हाट्सएप पे किसी साहब को मौसूल हुई कि चाइना और भारत का जो सिक्किम पे मिलिट्री स्टैंड ऑफ था वहाँ कोई उनकी झड़प हुई है और 150 के करीब फौजी मर गए हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि न्यूज़ डेस्क जो है वो उस चीज़ की तस्दीक करता, BBC देखता, रॉयटर्स देखता, कोई इंटरनेशनल एजेंसीज देखता, लेकिन हमारे यहाँ जब वहाँ से खबरें आती हैं तो फिर ये चॉइस नहीं होती कि आपने नहीं इसको देना। तो दो तीन चैनल्स ने वो चला दी, हमारे चैनल ने भी चला दी, तो हमने अपने चैनल को सबसे पहले रख के कहा कि ये खबर की तस्दीक का जो ज़राए हैं उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती, और उसको लेकर के हमने पूरे मीडिया को वो किया। तो अगले रोज़ मेरे एक दो कॉलीग्स नाराज़ भी हुए कि जनाब आपने अपने ही चैनल को बदनाम करने की कोशिश कर दी, तो उनको फिर मैंने बैठ के समझाया कि किसी गलत खबर पर माजरत करने से सहाफ़ी की इज़्ज़त बढ़ती है, ना कि कम होती है, और यही हमारा इस वक्त मीडिया का मसला है कि हम माजरत नहीं करते, हम गैर तस्दीक शुदा खबर भी दे देंगे। अगले दिन जैसे वो पट्टी चल रही होती है लाल, उसके बाद वो अचानक गायब हो जाएगी, और अगर कोई वहाँ से डिनाइल भी आ गया तो डिनाइल चलना शुरू हो जाएगा, या शायद डिनाइल भी नहीं चलेगा, और कोई इस बात पे माजरत नहीं करेगा कि मैंने या इन्होंने गलत खबर दी, और ना ही इस बात की इंक्वायरी होगी कि वो गलत खबर कहाँ से आई। तो ये जो तरीक़ाकार है, मेरे ख्याल में हम अगेन लकी हैं कि डॉन का एक बहरहाल ऐसा कल्चर है जहाँ पर इतनी ज़्यादा सख्तियाँ अभी तक नहीं हुई हैं, न जाने कब हो जाएँ तो हमें नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल वो साहब का एक बड़ा मज़े का जुमला है कि अगर डॉन जिस रोज़ उर्दू में छप जाएगा तो तीसरे दिन ही बंद हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें इदारों से मुंसलिक होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बहैसियत सहाफ़ी हम लोगों ने अपने अंदर एक चिप लगा ली है सेल्फ सेंसरशिप की, हमने खुद से ये अज्यूम कर लिया है कि ये खबर जो है किसी एक क्वार्टर को एनॉय करेगी, इस खबर की वजह से इश्तहारात नहीं मिलेंगे, इस खबर की वजह से ये हो जाएगा, चाहे वो अवामी मफाद की ही खबर क्यों ना हो। तो हम लोगों ने अपना जो अपने हाथ से अपना जो फ्रीडम है वो प्लेट में रख के मालिकान को पेश किया है, और अब वो उसका जो है आमलेट बना करके हमें भी खिला रहे हैं, नाज़रीन को भी खिला रहे हैं और ख़ुद भी खा रहे हैं। इसके अलावा ये जो मुबशिर ने वाक़यात बताया, उसके बावजूद दो चार चैनल्स थे उनसे हमारे प्रोग्राम के रिश्ते भी आए, और हमने कहा कि आप ये बताइए कि ठीक है हम आपके यहाँ आ जाते हैं, जितनी बड़ी आप जितने पैसे आप ऑफ़र कर रहे हैं, पैसे किसको अच्छे नहीं लगते, पर भौंकने की आज़ादी का क्या होगा? तो उनका जवाब होता था कि उस पर भी बात कर लेंगे। तो हम कहते थे जब उस पर भी बात कर लें तो फिर हम बात आगे बढ़ा देंगे, और अब तो हम उन्हें खौफनाक कहानियाँ सुना के भी डरा देते हैं कि हमने तो डॉन को भी नहीं बख्शा, उसकी जो खबरें आई थी उनकी ऐसी तैसी कर दी कि ये किस तरह की सहाफ़त है, तो क्या आपके यहाँ ये हो जाएगा? तो वो कहते हैं अच्छा मैं आई विल गेट बैक टू यू सून। सच बोलने की बात हो रही है,
तो मुबशिर साहब का एक वाकया है कि इनसे किसी ने कहा कि क्या मैं भी सच बोलूं, इन्होंने कहा सच बोलो। उसने सच बोलना शुरू किया, चार दिन बाद बताया कि आप तो सच बोलते हैं, आपके पीछे डॉन है, और मैं कुछ सच बोल रहा हूँ तो मेरे पीछे पुलिस है। अब आपको पता है कि एक निजी अखबार के रिपोर्टर अहमद दुरानी पर हमला हुआ है, उससे पहले उमर चीमा, उससे पहले हामिद मीर और वली बाबर, और भी बहुत से वाकयात हैं। तो जब ऐसा कोई वाकया होता है, उसके बाद मुबशिर साहब आपसे सवाल है कि क्या फिर आप जो आपने रेड लाइंस अपने लिए कुछ ना कुछ तो जाहिर है रखी हुई होंगी, तो क्या आप उन्हें फिर रीड्रॉ करते हैं कि आपने कहाँ तक जाके कोई बात करनी है और कहाँ जाके रुक जाना है? मेरे ख्याल में जैसे वसत ने कहा, हम लाइटर टोन में बात कर लेते हैं, उस चीज़ को लाइट कर देते हैं ताकि जिसको समझ आनी भी हो उसको तंज का रंग दे देते हैं, ताकि वो बात पहुंच भी जाए और उसको उस तरह हार्ड फैक्ट में ऑन द फेस ऑफ इट ना किया जाए। जहां तक रेड लाइंस की बात है, तो मैं बहसीयत साफ़ी ख़ुद इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ कि साफ़ियों के लिए कोई रेड लाइंस नहीं होती। लेकिन अगर यही बात मैं अपने रिपोर्टर्स जो मेरे नीचे काम करते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, मैं खुद उनके लिए रेड लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ। बाज़ औक़ात होता है ऐसी चीज़, तो मैं वो चीज़ अपने ऊपर ले लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनको नुकसान ना पहुँचे। लेकिन अपनी तरफ से जो है, हमें कोई रेड लाइंस का ऐसा ना कभी कहा गया है, ना हमारे जहन में कोई ऐसी रेड लाइंस हैं फ्रैंकली। ठीक, अच्छा वसु साहब, आपको मैंने देखा है कि आप दुनिया का जदीद तरीन मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, और दिखा भी दें आप ताकि लोग से आपकी तकलीद भी करें, लेकिन इसके बावजूद आपको सोशल मीडिया का काफ़ी पता है। आप फेसबुक पे भी मैं आपको देखता हूँ, ट्विटर पे भी आपका एक अकाउंट है, और आपने भी व्हाट्सएप की भी बात की। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अब हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो सोशल मीडिया के पीछे चल रहा है और उनके ट्रेंड्स को देख के अपने प्रोग्राम के मौजूद तय कर रहा है। तो क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि अब वो लीड करना शुरू हो गया सोशल मीडिया दूसरे मीडिया को? कल हामिद मीर और अर्ज़ अब्बास से मैं इसी बात पे लड़ रहा था। आप ऐसा है, और ज़ाहिर कल भी उसकी वजूहात जो आई थी वो यही थी कि क्रेडिबिलिटी गैप जो है फॉर्मल मीडिया का, अगर वो ना हो तो लोग सोशल मीडिया पे कम एतबार करें और उसकी तस्दीक कर लें फॉर्मल मीडिया से। लेकिन जब फॉर्मल मीडिया ही हाथ में झुनझुना लेके और पैर में घुंघरू बांध के कैमरे के कंपटीशन में आ जाए, तो फिर तो मैं सीधा सीधा फिर मैं सोशल मीडिया पे क्यों ना एतबार करूँ, मैं उस पर क्यों ना लोगों से बात करूँ। तो ये डिस्टिंक्शन जितनी ब्लर होती चली जाएगी सोशल मीडिया, इनफॉर्मल मीडिया या फॉर्मल मीडिया में, उसी तरीके से वो आपको खाता चला जाएगा। इसलिए कि आप जितने भी हो जाएं, आज़ाद हो जाएं, लेकिन जो टोटल आज़ाद है उससे ज़्यादा आज़ाद तो आप नहीं हो सकते। आप में फिर भी हदूद व क़यूद, स्टेट की नज़र है, मालिकान का इंटरेस्ट है, खुद आपकी नौकरी है, एडिटोरियल पॉलिसी जो भी फटीचर सही लेकिन है तो सही, तो आप तो हार जाएंगे। बजाय इसके कि आप उनके मैदान में जाके खेलें, कोशिश ये होनी चाहिए कि वो आपके मैदान में आके खेलें। दूसरे ये है कि हम न्यूज़ रूम में हों या स्टूडियो में हों, एक बात हम यकसर भूल चुके हैं जो कि जर्नलिज्म का पहला सबक हुआ करता था और आज भी इतना ही वैलिड है जितना कल था, कि मीडिया ओपिनियन मेकर होता है, ओपिनियन चेजर नहीं होता। ये सबक आज हम में से किसी को याद नहीं है। हम ये देखते हैं कि ये जनता क्या चाह रही है। अरे भाई, जनता तो जो आप चीज़ें पेश करेंगे, आप बेहतर प्रोडक्ट पेश करेंगे जनता उसमें से एक उठा लेगी, आप घटिया प्रोडक्ट सामने रख देंगे देर इज़ नो चॉइस, तो फिर जनता उसमें से घटिया उठा लेगी। फिर जब रेटिंग आएगी तो फिर आप कहेंगे देखें अवाम ये चाहते हैं, अवाम ये नहीं चाहते, अवाम ने तो प्रोडक्ट में से चॉइस करनी है। तो सवाल यह है कि कारखाना ठीक होगा तो कंज्यूमर ठीक होगा ना, ना कि कंज्यूमर पे आप तवक्को रखेंगे जी पहले कंज्यूमर ठीक हो। दिस इज़ वेरी इलॉजिकल, लेकिन हम इसे लॉजिकल के तौर पे चला रहे हैं। सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है, अच्छी बात ये हुई है कि सोशल मीडिया पे आप लोग जैसे और जहाँ जहाँ दूसरे शहरों में वो लोग उस
उस वाक्य की जो भी कोई वाक्य होता है वीडियो बना करके डाल देते हैं। पहले तो ये होता था कि मीडिया ने अगर कोई चीज़ जिसे हम कहते हैं पी जानी होती थी या नहीं देनी होती थी तो वो बिल्कुल उसको सिरे से ही गायब हो जाता था, लोगों को पता नहीं चलता था। अब मशाल खान के वाक़े का एक ऐसी मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि अगर वो वीडियोज़ ना आती जो उसके साथ हुआ तो शायद ये ख़बर भी ना बनती, क्योंकि जब ये ख़बर आई तो मीडिया ने कोई 4 घंटे उसको ऐसे चलाया कि मर्दान की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर 2 तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम हुआ है जिसमें एक तालिब इल्म जाँ भाग हुआ है। हमें भी यही ख़बर मिली थी और फिर हमने जब सोशल मीडिया के ऊपर देखा वीडियोस आनी शुरू हुई उसके कत्ल की, तब लोगों को एहसास हुआ, फिर उससे मीडिया मजबूर हुआ कि उस वाक़े के ऊपर बात करना शुरू कर दे। तो मीडिया मेरे ख्याल में सहारा ढूंढता है कि कहीं ना कहीं से उसे सपोर्ट मिल जाए और सोशल मीडिया उसको बहरहाल अब वो सपोर्ट फराहम कर रहा है। तो आप देखेंगे कि कुछ अरसे बाद मीडिया बदलेगा, थोड़ा बतदरीज ही होगा लेकिन मजबूर होगा, और मीडिया उसी वक्त मजबूर होगा जाहिर है जब प्रेशर आएगा। और सोशल मीडिया और आप जैसे लोग जो कि किसी भी ट्रैफिक वायलेशन से लेकर के किसी वाक़े तक की फुटेज जब सोशल मीडिया पर डालते हैं तो मीडिया अंडर प्रेशर आता है, और ये एक अच्छी बात है। ये कनेक्शन जो हम जोड़ने की पहले कोशिश करते थे कि सामईन के साथ हमारा कोई रिलेशन उस तरह नहीं बन रहा, वो सोशल मीडिया ने वो एक रिलेशनशिप बहरहाल कायम कर दिया है। अच्छा, हमारे पास दर्जनों टीवी चैनल अब हो गए हैं और उनके दर्जनों प्रोग्राम्स उनमें चल रहे हैं, सब यही दावा करते हैं कि वो सच पेश कर रहे हैं, सच बयान कर रहे हैं। मेरे ख्याल वसुत भाई ने कभी ये बात की थी कि अब सच और झूठ झूठ जो है वो ब्लैक एंड वाइट की सूरत में दस्तयाब नहीं है बल्कि मुख्तलिफ शेड्स हैं। तो आप अपने प्रोग्राम को कहाँ रेट करते हैं आप? जाहिर है आपका भी यही दावा है जैसे जो दूसरों का दावा है, तो अब एक आम व्यूअर कैसे पहचाने कौन सा प्रोग्राम उसे हकाइक से करीब तर तस्वीर दिखा रहा है? ये क्राउड देख रहे हैं आप? हो सकता है दूसरे भी लोग प्रोग्राम करें तो इतना क्राउड आ जाए। दूसरा प्रोग्राम क्यों नहीं आता इस स्टेज पे? इसका मतलब है कि जो मुंतजमीन हैं हमने तो लॉबिंग नहीं की, ना हमने उन्हें पैसे वैसे दिए कि यार अल्लाह के वास्ते हमारी एडवर्टाइजिंग करने के लिए हमें स्टेज पे बुला लो। अब कोई भी चीज़ बू या खुशबू आप उसे फैलने से रोक नहीं सकते। फॉर्मल चैनल से नहीं आएगी, सीना बसीना आएगी, लेकिन आप उसे रोक नहीं सकते हैं। तो ऑल दो हम मजाक में ये कहते हैं कि ये वाहिद प्रोग्राम है जो रेटिंग से 100% पाक है, लेकिन इसका जो बजवर्ड है वो जो गूंज लौट के आती है वो हमारे लिए 3 लाख रेटिंग से ज़्यादा है। ठीक ठीक। अच्छा, इस वक्त जर्रार खोड़ो साहब यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन एक सवाल है जो उनकी मौजूदगी से, और क्योंकि आपके प्रोग्राम में होते हैं तो ये बनता है कि अंग्रेज़ी में कहते हैं 2 is a company and 3 is a crowd, तो ये कि 3 जब आप लोग बैठे होते हैं तो फिर कभी ऐसा होता नहीं आप सोचते हैं कि आपको कम मौका मिला है, आप अपनी गुफ्तगू का अपने इजहार नहीं कर सके जो आपकी राय थी, और 3 लोग हैं तो कोई दूसरा ज़्यादा बोल गया या अपने ज़्यादा वक्त ले गया, ऐसा आपको कभी फील होता है कि आप तिश्नगी रह गई आपके बयान में? इसीलिए हमने जर्रार से कहा कि यार थोड़ी सी मेहरबानी करो। अच्छा, उसमें होता यह है कि जिस भी इशू पे हम बात करते हैं, हमने तीनों ने अपने लिए एक डिस्टिंक्टिव जॉब रखी हुई है जो हमारी शायद जो हमने किया है। मसलन मैं ख़बरें तलाश करता हूं और लेके आता हूं, मैं जो है वसत साहब की तरह तज़िया नहीं कर सकता, तो तज़िया मैं इन पे छोड़ देता हूं। ज़रार क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन है, मैं भी उतना उससे खासा कम हूँ, वो सोशल मीडिया की साइट देखता है। तो हम तीनों को इनफरादी तौर पे एक अलग अलग जॉब मिली हुई है। तो जब हम बैठते हैं किसी भी प्रोग्राम का एजेंडा तैयार करने के लिए तो तीनों बेसिकली अपनी वंडिश सामने लेकर के आते हैं, और उसमें बाज़ औक़ात होता है कभी मैं बिल्कुल खामोश रहता हूँ, कभी वसत साहब को कम बोलने का मौका मिलता है। डिपेंड करता है कि वो इशू क्या है। अगर सोशल मीडिया रिलेटेड इशू है तो ज़रार विल टॉक मोस्ट, क्योंकि उसने उसकी रिसर्च भी है, उसकी एक्सपर्टीज़ भी है। जब किसी चीज़ पे लोगों को तज़िया चाहिए तो जाहिर है वसत साहब बात करेंगे, तो उनके आगे मैं अगर उनको इंटरप्ट करूँगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरी बात यह है कि लोग
سامعین بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کیونکہ اکثر ٹاک شوز میں یہی ہوتا ہے کہ تین لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور پروڈیوسر چیخ رہا ہوتا ہے کہ جی ٹائم ختم ہو گیا 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں, تو اینکر کہتا ہے کہ یوں تو اس ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے ایک گھنٹہ بہت کم ہے, تو آئندہ ہم پروگرام میں بات کریں گے. تو لوگ تشنا رہ جاتے ہیں, وہ کسی بھی جب آپ ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا اگر آپ اس کا سلوشن دے دیں یا اس کا کوئی ایسا حل جو شاید کل وقتی نہ ہو جز وقتی ہی ہو, ضرور بتائیں لوگوں کو تاکہ لوگوں کو آپ کی رائے تو پتہ لگے نا. تین اگر سیاسی جماعت کے لوگ آ کر کے اپنا اپنا بیانیاں دے رہے ہیں اور ان دی اینڈ کچھ بھی نہیں رزلٹ نکل رہا, تو میرے خیال میں اس ایسے پروگرام کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اچھا اب ہم بس وقت کم ہے, ہم سوال لیں گے آڈینس سے, لیکن میں ایک آخری سوال اپنی طرف سے آپ لوگوں سے خاص طور پہ وسط صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ خدا کو حاضر ناظر جان کر اس بات کا اعتراف کریں گے کہ 3 سال کی مسلسل کوشش اور محنت کے باوجود آپ ایسا نہیں چلے گا جیسا ایک بھی پروگرام نہیں کر سکے؟ نہ صرف یہ بلکہ ہم نے تھک ہار کے عامر بھائی کی تحریک انصاف میں ممکنہ شمولیت کا خیر مقدم بھی کیا اور انہوں نے ہمارا ٹویٹر پہ شکریہ بھی ادا کیا ہے. اور ایک جملہ مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ تحریک انصاف عامر لیاقت حسین میں شامل ہوتے ہوتے رہ گئی. تو لیکن بہرحال آپ کی بات درست ہے کہ ان کا جو مقام ہے عالی مقام کا, ان تک تو ان کی تو گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے. تو اب ہم آڈینس سے سوال لینا چاہیں گے, اگر آپ لوگ کچھ سوال ہیں تو ہاتھ بلند کریں اور اگر کوئی صاحب مائک پہنچا دیں وہاں تک. جاوید آفتاب, سیکٹری پنجاب, انجمن ترقی پسند مصنفین پاکستان, لاہور سے ہوں. ایک تو ادارہ ہے آپ کا ڈان جس میں آپ لوگ کام کرتے ہیں, ایک اس ملک میں دوسرا ڈان ہے جس کے پاور ملک قبضے میں ہے, چاہے میڈیا ہو, ادیب, شاعر, دانشور ہوں, سیاست دان ہوں, اس ڈان سے آپ لوگ کیسے بچتے ہیں اور کس طرح بچ کے اپنا کام کرتے ہیں؟ کیونکہ اس ڈان کی وجہ سے ایک سابق آرمی چیف کو ایک سٹنگ آرمی چیف نے انگوٹھا رکھ کے سپریم کورٹ پہ ملک سے باہر بھیج دیا اور ٹی وی چینلز آج تک اس پہ کوئی پروگرام نہیں کر پاتے. تو وہ ڈان جو ہے وہ تو آپ کے پیچھے بھی ہے, آپ اس سے کیسے بچتے ہیں اور آج تک کیسے بچیں گے؟ مبشر, اس سوال کا جواب نہیں دینا ہے, کوئی اور سوال. میرا خیال ہے یہ جواب دے رہے ہیں کہ اپنی شگفتہ بیانی سے اور نرم خوئی سے یہ اس سے بچتے آ رہے ہیں. ہاں, آپ کی بات کسی حد تک درست ہے, لیکن ہم بات کرتے ہیں ایسی چیزوں کے اوپر. ہم فوج کے سیاست میں رول کے, میں ذاتی طور پر بہت زیادہ اس کا اظہار کرتا ہوں, سوشل میڈیا پر بھی کرتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے اور پروگرام میں بھی کرتے ہیں. اب بچتے کیسے ہیں؟ تو ابھی تک تو بچے ہوئے ہیں, تو میں سب کو یہی کہتا ہوں, خاص طور پہ جو نوجوان صحافی ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں, کہ اگر میں بچ سکتا ہوں تو آپ بھی بچ کے نکل سکتے ہیں. بات بعض اوقات ہم کیونکہ بہت سی چیزیں ایزیوم کر لیتے ہیں کہ اچھا اگر فوج کے کسی غیر آئینی قدم کو ہم نے کرٹیسائز کیا یا اس پر تنقید کی تو شاید فوج اس کو بھی قومی مفاد کے برعکس کوئی قدم سمجھے اور آپ کے خلاف کوئی ایسا ایکشن کر لے. میرے خیال میں خوف انہوں نے رکھا ہوا ہے بہرحال, لیکن اگر یہ آواز ایک کلیکٹیو پلیٹ فارم سے آئے گی تو میرے خیال میں وہ اس چیز کا احترام کرتے ہیں یا احترام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو جب آپ یہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, ہم یہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے یہ کہیں نہ کہیں سنا بھی جا رہا ہوگا, پروگرام بگ بھی ہو رہا ہوگا, تو ان کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ معاشرے میں باہر والی ایک سوچ ہے کہ جو ملک میں آج تک گڑبڑ ہوئی ہے اس میں وہ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے ہم جیسے ملک دشمن. اور بھائی جس لہجے میں آپ نے سوال کیا اس لہجے میں تو ہم دوسرا پروگرام بھی نہ کر پاتے. لیکن دیکھیں انہوں نے ڈان کہا تھا, انہوں نے فوج نہیں کہا تھا, آپ نے جواب میرے خیال ہے کچھ اور دے دی. تم اتنے بھولے کب سے ہو گئے ہو؟ جی دوسرا سوال اگر کوئی اور سوال کرنا چاہیے. یس سر, میرا نام مزمل بلوچ ہے اور میں کراچی میں رہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے سیلف سینسرشپ کی بات کی تھی اور ہم جانتے ہیں کہ کافی باتیں آپ کرتے کرتے رہ جاتے ہیں پروگرام میں, اس ڈر کے ساتھ آپ
मीडिया गैर जानिब हो सकता है या नहीं, मुमकिन है ये कभी हम देख पाएंगे अपनी ज़िंदगी में ये होता हुआ? नहीं, मीडिया कभी ना गैर जानिबदार था, ना है, ना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया ये कर सकता है कि जो रियलिटी है उसको करीब तर हो के दिखा दे, इससे ज़्यादा नहीं है। हर आदमी का परसेप्शन, हर इदारे की रियलिटी, हर ख़बर का पस मंज़र हर आदमी मुख्तलिफ आइनों में देखता है। तो ये जो गैर जानिबदारी और जानिबदारी का जो इल्यूजन है, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आपको हमेशा आधा पौना या 90% सच तो मिल सकता है, 100% सच मुमकिन नहीं है कि आपको मिल सके। उस वो लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। जनाब अब्दुल हफीज़ लगारी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने जो दुकान की बात की, मुबारक हो आपकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, तो ये तीनों पार्टनर्स इनको किसने ढूंढा था? ये सवाल इसलिए कि हो सकता है कुछ और भी इस तरह आपकी तरह ज़रा हटके और सीधी सीधी बातें बगैर डिश डुश हुए करना चाह रहे हो तो वो भी कर लें और उनकी भी हिम्मत बन जाए। हुआ ये था कि हमारी खुशकिस्मती समझिए कि 11 बजे कोई ऐसा प्रोग्राम हो नहीं रहा था, तो मैं और ज़रार जब हम लोगों ने शुरू किया तो हमारे साथ एक खातून थी, तो हम वैसे न्यूज़ रूम में बैठ के बातें किया करते थे, तो हमारी मैनेजमेंट ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो ज़रा एक दफ़ा एक मॉक रिकॉर्ड कर लेते हैं आप लोगों की गुफ्तगू में। तो उसमें हमने वैसे ही हंसी मजाक के तौर पर वो मॉक रिकॉर्ड कर दिया, मुझे आज भी याद है, जिसमें हम बात कर रहे थे कि सियासत में क्या होना चाहिए, और मैंने कहा कि असल में तीर का निशान जो है वो मियां साहब के पास होना चाहिए, क्योंकि जितने उड़ते तीर वो पकड़ते हैं, तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को उनके ही हवाले कर देना चाहिए ये निशान। फिर पीपल्स पार्टी के बारे में भी बात हुई कि कैसे, तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने की और हमें नहीं पता था, बट द मैनेजमेंट सेड के यार आप ये प्रोग्राम शुरू करें। फिर वो खातून जो है कुछ अरसे बाद वो अल जज़ीरा के लिए भी काम करती हैं, तो शी डिसाइडेड टू क्विट, और हमारी खुशकिस्मती के फिर वसत साहब हमारे साथ आ गए, तो इस तरह फिर सिलसिला चल पड़ा। तो ये एक बिल्कुल हादसाती तौर पर हुआ, बचपन से हम में से किसी को भी टॉक शो करने का शौक़ नहीं था। अच्छा, एक सवाल मैं यहाँ पर मैं बीच में दखल अंदाजी करके करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो एंकर्स हैं करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स के, वो ज़्यादा बड़े हो गए हैं, और जो प्रोड्यूसर है जिसे असल में जिसके पास ब्रेन होना चाहिए, जिसे प्रोग्राम डिसाइड करना चाहिए, जिसे कंटेंट जो ढूंढ के लाए, विजुअल्स ढूंढे, ग्राफिक्स बनाए, जुमले दे, वो उसका किरदार एक जूनियर आदमी ने संभाला हुआ है। ऐसा होता है कि आपका भी जो प्रोड्यूसर होगा मुझे नहीं पता कौन होगा, लेकिन आपका मजमूई तजुर्बा 80-90 साल मेरा ख्याल हो चुका है, आप जो तीन एंकर्स बैठते हैं, तो कोई भी प्रोड्यूसर ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपको डिक्टेट कर सके। क्या ये बेहतर नहीं होता कि आप तीनों अलग अलग तीन प्रोग्राम ऐसे ही प्रोड्यूस करते, किसी और जूनियर एंकर से करवाते और ख़ुद आपका ब्रेन पीछे काम करता? या ये कि अब जिस तरह और सारे एंकर्स को शौक़ है टीवी पे आने का, आपका प्रोग्राम चल गया है, आप भी टीवी पे आना चाहते हैं क्योंकि लोग आपको पहचानते हैं, तो बजाय इसके कि वो आप तीन प्रोग्राम अलग अलग प्रोड्यूस करते एक ही प्रोग्राम में तवनाइयाँ सारी सर्व कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे? आपके ये आइडियाज़ अच्छे हैं, हम मैनेजमेंट तक पहुँचा देंगे। ठीक है जी, अगला सवाल। मेरा नाम नूर महमद है, डायरी। मैं बेसिकली पुरानी अवामी तहरीक से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमने ज़ियाउल्लाह के ख़िलाफ़ बहुत जदोजहद लाई और फिर सहाफ़ियों के साथ भी इकट्ठे रहे, और फाजुल राव से हमारा ताल्लुक था, और फाजुल राव ने यहाँ जो प्रेस क्लब के साथ जो अचीवमेंट मिलाई, मेरा बेसिक ये क्वेश्चन है कि जब हम देखते हैं कि ताकतवर चीज़ कौन है, अभी ताकतवर चीज़ दो बन गई है, एक अदलिया एक फौज, जिसको कहते हैं कि ये उसका है जो इसमें सहाफ़ियों का क्या कंट्रीब्यूशन है कि कोई भी पार्टी कहती है कि हमें तोड़ने वाले हमारे ये ग्रुप ये फौजी हो सकती है। आपका क्या ख्याल है कि अभी जब जमहूरियत और मुल्क बहुत
آگے نکل چکا ہے تو سیاستدان پیچھے کیوں ہے؟ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ سیاستدان اپنے اداروں کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ خود کرپٹ ہے. آپ کی بات سے کوئی اختلاف ممکن نہیں ہے, بالکل صحیح کہہ رہے. اور جہاں تک میڈیا کی بات ہے, آپ نے اداروں کے طاقتور ہونے کی بات کی, تو جو طاقتور ہوتا ہے اس کے خلاف میڈیا بات نہیں کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا کا وہی مستقبل ہے جو عدلیہ اور فوج کی آپ نے مثال دی, جو دو ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس کا ہوتا ہے. جی, میرا نام سارنگ پیرزادہ ہے اور میں عوامی راج تحریک سے ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے, کیونکہ آپ سینئر صحافی ہیں اور آپ نے اس ملک کی سیاست, ادب اور صحافت تینوں کو دیکھا ہے اور جانچا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہمارے ملک میں اور اس خطے میں صحافت, ادب اور سیاست ایک ساتھ چلا کرتے تھے. اس وقت ہر چیز بہت الگ ہوا کرتی تھی. جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جو جملے جن کو آج ہم متبادل کہہ رہے ہیں یا بہادری کہہ رہے ہیں, یہ اس وقت عام تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو تینوں چیزیں الگ الگ ہو گئی ہیں, اس کی وجہ سے ہماری بہادری ٹوٹ گئی ہے. تو آپ میرے اس سوال کا کیا جواب دیں گے یا آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ میں تو بالکل ایگری کرتا ہوں. دیکھیں, معاشرے کی کسی بھی جگہ تنزلی کا جو اندازہ ہے وہ اسی سے لگایا جاتا ہے, جب ادب ادیبوں کو جو بولنا چاہتے ہیں ان کو بولنے نہ دیا جائے, ان کو پلیٹ فارمز نہ ملیں, اور ہر چیز کمرشلزم اور پروفیشنلزم کے نام پر بکنی شروع ہو جائے. تو میں تو بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس سارے میں. اچھا, میرا تھوڑا سا نقطہ نظر اس لحاظ سے مختلف ہے کہ جو واقعی تخلیقی آدمی ہوتا ہے نا, وہ اس چکر میں نہیں پڑتا کہ یہ جبر کا زمانہ ہے یا آزادی کا زمانہ ہے. اس کی تخلیق کا سوتا اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ اس سے کچھ نہ کچھ کروا لیتا ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کا جو بہترین ناول ہے, جسے ہم روسی ناول کہتے ہیں, وہ کوئی لبرل ڈیموکریٹک ماحول میں تو نہیں لکھا گیا. وہ انتہائی جبر کے ماحول میں فستائیت کے پنجے تلے وہ ایک عظیم ناول لکھا جا رہا تھا اور کہانی لکھی جا رہی تھی. تو بعض اوقات جبر جو ہے کم از کم لکھنے والے کے لیے بلیسنگ بھی ہو جاتا ہے, گو کہ عوام کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے اہم بات ایک تو یہ ہے نا کہ ہم شکایت کر دیں کہ جی اتنا جبر ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ جو کیپیبل ہیں تخلیق کو ایک سٹریم لائن کرنے کی ٹریننگ دینے والے, یہ ان کا فرض ہے کہ جو دوسرے تخلیق کار ہیں جو کنفیوز ہیں, ان کو بیٹھ کے بتائیں کہ بیٹا یا بیٹی ان حالات میں آپ کیسے اپنی بات کر سکتے ہو. اگر صرف یہی چیز بھی ہو جائے نا تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ یہ جبر ہے یا آزاد ہے, اس چکر میں نہیں. لیکن تخلیق کاروں کو میرا خیال ہے اپنا فرض پورا کرنا چاہیے, ویدر دے آر ان میڈیا اور دے آر ان پروز اور دے آر ان پوئٹری. یہ مبشر نے جو بات کی تھی کہ ہمارے پیچھے کیونکہ ڈان ہے تو ایک ادارہ ہے, جو لوگ ینگ ہیں جو بات کرنا بھی چاہتے ہیں وہ اس بات پہ ڈرتے ہیں کہ ان کی سپورٹ نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, پھر میں بھی کچھ سجیسٹ. دیکھیں, ہمارے پیچھے بھی ڈان ہے اور ان کے پیچھے بھی ڈان ہے, تو وہ الٹیمیٹلی جو لوگ ہیں واقعی جو ان داؤ پیچ سے واقف ہیں کہ کون سی بات کس ڈھنگ سے کہی جاتی ہے, ان بچوں کو انہیں اپنے پروں کے نیچے لینا پڑے گا, ورنہ وہ اسی طرح کنفیوز اور مستقبل سے نا امید گھومتے رہیں گے. السلام علیکم سر, میرا نام آصف بلوچ ہے اینڈ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. میرے بیسکلی دو سوال ہے. ایک میں کل آپ لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے موقع نہیں ملا. تو ایک سوال یہ کہ کل یہاں پہ جو میڈیا پرسنس بیٹھے ہوئے تھے وہ کافی سیلف اسیسمنٹ کر رہے تھے
کہ یہ ہمارے ویکنیسز ہے, یہ ہمارے اسٹرینتھس ہے, اور اپنے اسٹرینتھس سے کم بتا کے ویکنیسز زیادہ بتا رہے تھے. تو پہلے تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ اپنے ویکنیسز بتا رہے تھے, یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم نمبر ون ہیں. یا تو اگر آپ لوگ اپنے خود سیلف اسیسمنٹ کر رہے ہیں, اپنے ویکنیسز بتا رہے ہیں, تو کیا ان کو اوور کم کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, یا بس آپ بیٹھ کے ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو ایماندار ہیں, ہم بتا رہے ہیں, کہ آگے امپروومنٹ ہو نہ ہو وہ الگ بات ہے. دوسرا سر میرا ایک سوال ہے کہ جیسے دنیا میں اور خاص طور پہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ادارے مقدس گائے کی شکل اختیار کر لیا ہے اور کر رہے ہیں, ان کے خلاف آپ نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں, اگر آپ کریں گے تو کچھ بھی کنسیکوینسز کو آپ کو فیس کرنا پڑیں گے. اسی طرح سر ایسے بھی کافی واقعات سامنے آتے ہیں کہ جو میڈیا سے ریلیٹڈ پرسنز ہیں وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ چینلز کے خلاف تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جو اینکر سے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے وہ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہوتے ہیں, لیکن کوئی عوامی حلقوں سے یا کوئی پبلک سے, سول سوسائٹی سے یا سوشل میڈیا پہ کچھ ایسا ہو کہ میڈیا کے خلاف کچھ بولا جائے, اینکرز کے خلاف, ایون رپورٹرز کے خلاف, تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ صحافت پہ حملہ ہے, صحافیوں کے ساتھ ناانصافی ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو کیا سر میڈیا بھی مقدس گائے کی شکل اختیار کر رہی ہے جس کے خلاف ہم کچھ نہیں بول سکتے؟ پہلا آپ کا سوال تھا کہ ہم صرف اسٹیج پہ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں یا پھر ان کو اپلائی کرنے کی بھی اپنے نیوز روم میں کوشش کرتے ہیں. میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم کوشش ضرور کرتے ہیں لیکن اکثر ہم ناکام ہو جاتے ہیں اور پھر ہم اپنی ذات پہ ہی اپلائی کر کے رہ جاتے ہیں. دوسرا جو ہے مقدس گائے کا, تو میڈیا جو ہے وہ دو نمبر مقدس گائے ہے. فرسٹ کاپی ہے اصلی مقدس گائے کی, وہ ہے میڈیا. میں ایک آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو میڈیا کے آپس کی جو چھینچا لیدر ہے اس کا بیک گراؤنڈ, اس کی نفسیات کیا ہو سکتی ہے. 2003 میں عراق کی جو جنگ ہو رہی تھی اس میں میں استنبول میں بی بی سی کی طرف سے موجود تھا, اولڈ سٹی میں رہ رہا تھا. ایک دن جو بلو ماسک ہے اس کے لان میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک ریٹائرڈ بوڑھا ترک وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا, اخبار پڑھنے لگا, پھر گفتگو شروع ہو گئی. میں نے بھی تعارف کرایا, اس نے بھی تعارف کرایا. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو استنبول ہے یہ تقریباً 80 ملین لوگ, مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں رہتے ہیں. میں نے 4 دن میں کسی بھی فٹ پاتھ پہ یا کسی ریسٹورنٹ میں یا کہیں بھی لوگوں کو ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے یا گربان پہ ہاتھ ڈالتے نہیں دیکھا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی آبادی میں ایک بھی ایسا واقعہ نظر سے نہ گزرے؟ تو اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہم ترکوں کو بھی بہت غصہ آتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس قوم کے غصے میں جو غلام ہو اور اس قوم کے غصے میں جو کبھی غلام نہ رہی ہو تھوڑا فرق ہوتا ہے. آپ پاکستان یا ہندوستان والے, آپ کی ایک پوری تاریخ ہے غلامی کی, اور غلام اپنا غصہ ہمیشہ اپنے ساتھیوں پہ ہی نکال سکتا ہے, اس سے زیادہ کا اسے اختیار نہیں ہوتا. تو ہماری جو لڑائی ہے آپس میں میڈیا کی جو آپ کو نظر آتی ہے, یہ غلام کا غصہ غلام پہ نکل رہا ہے, اس پہ زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ. میں مبشر زہری صاحب اور وسعت اللہ خان صاحب کا اور سندھ لٹریچر فیسٹیول کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں. وقت ختم ہو گیا, اگلا سیشن شروع ہونا ہے. آپ حاضرین کا بہت بہت شکریہ.